तन मन धन लगाया जाएगा, तन मन धन लगाया जाएगा। अगली खबर अयोध्या जनपद से आ रही है, जहां आपको बताते चलें जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे ही विभिन्न पार्टी के राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो कभी जनहितैषी मुद्दों को नहीं उठाया, वो भी टिकट पाने के चक्कर में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं नगर पंचायत नंदीग्राम भरतकुंड की। वैसे तो देखा जाए यह सीट सामान्य वर्ग की कैटेगरी में प्रस्तावित की गई है, जिसको लेकर तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी अब की बार अपने अपने भाग्य का फैसला आजमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहने के कारण दिवाकर सिंह की प्रबल दावेदारी अब की बार मानी जा रही है। तन मन धन लगाया जाएगा, तन मन धन लगाया जाएगा, तन मन धन लगाया जाएगा। देखिए दो चीजें हैं, हम लोगों को चुनाव जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है, तन मन धन लगाया जाएगा, है कि नहीं? सब लोगों का सहयोग है और कार्य किया जाएगा, और यदि मौका मिल जाता है तो भरत जी की इच्छा होगी तो एक मौका देंगे अच्छा कार्य करने के लिए, कि नहीं भैया? हाँ बैठे आओ, नदी भैया बैठा। आप तो देख ही रहे कितनी तंग गलियों में से गुजरना पड़ता है कि नहीं? एक अंडर पास अगर बना दिया जाए रेलवे लाइन के नीचे से, हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाए, और बाईपास करा दिया जाए भदरसा की, तो जो तंग गलियों से गुजरना पड़ता है वो न गुजरना पड़े, ये हमारी प्रबल इच्छा है। आप जान लो बहुत जरूरी है, जरूरी ना, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है बाईपास। यही गावा से इसे सीधा जुड़े जाए, कुआं जहाँ में वो पिछला बार हूँ वो हेरोडॉल जाए मिले। हाँ सही कहा था, एकदम सीधा बजरी है पूरी छूट एकदम जाने पे, पीछे गांव वाले सभी के लिए आसान हो जाएगा हमेशा आना जाना। सब हम हूँ आपको, बाजार जाना है तो बाजार जाओ भी। अरे भाई सड़क खराब है इस बात है, ये वाली सड़क क्या बनवा हुआ पहले, सबसे पहले ये वाली सड़क बन जाए, आने जाने इतनी परेशान हो भरतकुंड से बेचारे। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार हमको मौका देती है और अपना प्रत्याशी भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत से घोषित करती है, तो निश्चित रूप से जो हमारे टॉप के दो तीन चीज़ें हैं, जैसे अंडर पास बनाना भदरसा के अंदर, भदरसा से बाईपास निकालना, भरतकुंड को पर्यटन क्षेत्र के नक्शे पर अयोध्या के बाद नंबर दो पे ले आना, और नगर पंचायत का संपूर्ण विकास करना, अच्छी नालियाँ, अच्छी सड़कें देना, अच्छे वृक्ष लगवाना किनारों से, और नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में प्रदेश में दिखाई देगा। जी देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज भरत जी की तपोस्थली है, और रामराज की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तभी कर पाए थे जब भरत जैसा भाई था उनके पास, और भरत जी की तपोस्थली होने के नाते तो इसका विकास मतलब कुछ कहना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि अयोध्या के बाद भरतकुंड का स्थान हो, और भरतकुंड निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास करेगा।